आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट मोडालिटी फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारे हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का अगला टॉपिक दैट इज ट्रीटमेंट मोडालिटीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट भाई हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट में इसके पहले हम बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ चुके हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं सोर्सेस हज़ार वो भी पढ़ चुके हैं उसके बाद हमने बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस एंड इट्स कैटेगरीज पढ़ी थी और अब हम पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट मोडलिटीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इसमें जो सवाल आते हैं एक तो सीधा सीधा ट्रीटमेंट मोडाली पे जाता है फिर इंसिनरेशन पे भी शॉर्ट नोट आता ही आता है इनर्टाइजेशन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है इसके बाद जो हम टॉपिक्स देखेंगे अगले वीडियोज में दैट विल बी स्पिल मैनेजमेंट और उसके बाद देखेंगे जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स होते हैं हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के स्पिल मैनेजमेंट में भी ब्लड स्पिल और मगर स्पिल मैनेजमेंट और उसका डिस्पोजल भी देखेंगे ठीक तो शुरू करते हैं हमारा हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट वाले चैप्टर का अगला टॉपिक दैट इज ट्रीटमेंट मोडलिटीज फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अब भाई साहब हम ना ये तो देख चुके हैं कि कौन कौन से बायोमेडिकल वेस्ट कौन कौन से कलर के डिब्बे में या कौन कौन से कैटेगरी में जाएंगे उसके बाद हमने पढ़ा था कि भैया उनका करना क्या है उनको इंसिनरेट करना है कि उनको लैंड फिल करना है नाइटाइजेशन करना है वही एक्चुअली ट्रीटमेंट मोडलिटीज हैं बायोमेडिकल वेस्ट की तो मुख्यतः जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ होती हैं बायोमेडिकल वेस्ट की वो मुख्यतः चार होती हैं कौन कौन सी एक होती है मैकेनिकल प्रोसेस मैकेनिकली आप बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करोगे या उसको ठिकाने लगाओगे सेकंड होती है थर्मल प्रोसेस मतलब यहाँ पे हीट इन्वॉल्व होगी ये तो याद रखना तीसरी चीज होती है केमिकल केमिकल प्रोसेस ये आप करोगे या तो उसमें डिसइंफेक्ट कर सकते हो एंटीसेप्टिक्स यूज कर सकते हो और चौथी होती है बायोलॉजिकल प्रोसेस तो मुख्यतः पहले तो ये चार नाम याद रखना मैकेनिकल प्रोसेस थर्मल प्रोसेस केमिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस ठीक अब मैकेनिकल के अंदर मुख्यतः पांच आते हैं एक होती है कॉम्पैक्टिंग श्रेडिंग लैंडफिल फिल और इनर्टाइजेशन लैंडफिल भी दो तरह की होती है मुख्यतः ओपन डंप और landfill, और सेंट्री लैंडफिल इनफैक्ट भी एक चीज होती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे ठीक फिर होती है थर्मल प्रोसेस तो थर्मल प्रोसेस में हीट डिसइंफेक्शन आता है हॉट एयर रवन आता है ऑटोक्लेव्स आते हैं ऑटोक्लेव भी दो तरह के होते हैं ग्रेविटी फ्लो ऑटोक्लेव और वैक्यूम फ्लो ऑटोक्लेव उसके अलावा हाइड्रोक्लेव माइक्रोवेव प्लाज्मा गामा रेडिएशन वेट एंड ड्राई थर्मल मेथड इसमें भी हम दो चीज़ पढ़ेंगे एक है वेट थर्मल ट्रीटमेंट और एक है स्क्रू फीड टेक्नोलॉजी इसको भी देखेंगे अब फिर आता है ड्राई हीट स्टेलाइजेशन इंसिनरेशन भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पे शॉर्ट नोट आते जाता है इसमें भी तीन तरह के जो होते हैं वो हम देखेंगे डबल चेंबर सिंगल चेंबर और रोटेटरी इसको भी देखेंगे फिर आएगी आपकी केमिकल प्रोसेस तो इसमें दो तरह की चीजें देखेंगे डिसइनफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स एंटीसेप्टिक्सटेंट जो सरफेस वगैरह को करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को एंटीसेप्टिक्स जो हम लिविंग टिश्यूज पे करते हैं उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम कंपोस्टिंग देखेंगे उसी का एक वेरियंट वर्मिक कॉम्पोस्टिंग और बायोडाइजेशन भी देखेंगे ठीक तो ये आपका पूरा का पूरा, का पूरा क्लासिफिकेशन है कि भाई मैकेनिकल थर्मल केमिकल और बायोलॉजिकल मैकेनिकल के अंदर मुख्यतः पांच थर्मल के अंदर दस केमिकल प्रोसेस में दो और बायोलॉजिकल प्रोसेस में तीन ठीक तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट मोडलिटी का क्लासिफिकेशन अब शुरू करते हैं सबसे पहली चीज से दैट इज मैकेनिकल प्रोसेस मैकेनिकल प्रोसेस में सबसे पहले तो आती है भैया कॉम्पैक्टिंग कॉम्पैक्टिंग में कुछ नहीं करना है आपको जो भी आपका नॉन हजार्डस वेस्ट है ना उसका साइज और वॉल्यूम पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट कर देना कम कर देना है के होते हैं, उनको आप किसके थ्रू छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं या तो आप ग्राइंडिंग करते हैं या कटिंग करते हैं और इस तरह से आप श्रेड करके छोटे छोटे पीसेस में बांट देते हैं किस तरह के वेस्ट प्लास्टिक रबर सॉफ्ट मेटल इनको आप श्रेडिंग के थ्रू ट्रीट करते हो फिर आता है लैंडफिल बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है वेरी शॉर्ट नोट लैंडफिल लैंडफिल तो लैंड तो मुख्यतः दो तरह के होते हैं ओपन डंप और सैनिटरी लैंडफिल ओपन डंप तो भैया ये आपने देखा ही होगा खुले में ऐसा ले जाके फेंक दो तो, और सैनिटरी लैंडफिल में एक्चुअली थोड़ा सा अलग होता है आप गड्ढा करते हो उसके बाद उसमें कचरा पूरा भरते हो उसके बाद ये देखो पूरा का पूरा ऊपर से आपने सील पैक कर दिया दैट इज सैनिटरी लैंडफिल अगर हम पी की बात करें पी मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करें तो वहाँ पे अभी भी अगर आप देखोगे ना प्लेसेंटा जो होता है उसको आप बर डीप बरल ही करते हो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डाल देते हो उसके बाद आप उसको गाढ़ ही देते हो तो लैंडफिल इज क्या कि आपने चीज़ों को गाड़ दिया ठीक है तो सेंट्रल लैंडफिल सेंट्रल लैंडफिल में ऊपर से थोड़ा सा सील कर देते हैं ओपन डब में तो ऊपर से आपने बस डाल दिया और फिर ढक देते हैं अब जो ये लैंडफिल मेथड है ना ये सबसे पुरानी मेथड है डिस्पोजल की पहले पहले करते करते क्या थे पहले आप देखो तो गड्ढे अब एक और चीज है कि जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती है ना उनको बेस्ट डिस्पोज ऑफ अगर आपको करना है तो या डिस्ट्रक्ट करना है या डंप करना है तो उसके लिए आप सिक्योर लैंडफिल का इस्तेमाल करते हो ठीक है तो इसको याद रखना इसमें एम आता है कि आउटडेटेड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो है उनको पहले बेस्ट तरह से बेस्ट डिस्पोज करने का तरीका क्या होता था कि भाई उनको डिस्ट्रक्ट करो या डंप करो सिक्योर लैंडफिल में ठीक तो ये एम आया था इसलिए हमने यहाँ डाल दिया हमने ओपन डप तो पढ़ लिया कि खुले में एकदम ऐसे ले जाके उड़ेल दो उसके बाद फिर ढक दो तो, सिक्योर लैंड फिल्म में अच्छे से आपने गड्ढा किया उसके बाद आपने उसमें कचरा डाला ऊपर से पूरा सील पैक कर दिया एक और चीज़ होती है डीप बर्ल डीप ब्यूरियल क्या होता है समझ लेना पहले डीप्यूरियल में सबसे पहले तो हम करीब दो मीटर का गड्ढा खोदते हैं ये है जमीन यहाँ से हमने करीब दो मीटर का गड्ढा खोद दिया ठीक है उसके बाद हम उसको आधा तो भर देते हैं कचड़े से या बायोमेडिकल वेस्ट से तो हमने क्या किया उसको आधा तो भर दिया भैया कि भैया हमने बायोमेडिकल वेस्ट से आधा तो भर दिया जब वो गड्ढा आधा भर गया बायोमेडिकल वेस्ट से उसके बाद हमने 10 सेंटीमीटर की मोटाई की सॉइल डाली कि भाई एक लेयर डाली दस सेंटीमीटर की एक काली काली ये हमने सॉइल डाल दी फिर हमने दस सेंटीमीटर का बायोमेडिकल वेस्ट डाला फिर हमने दस सेंटीमीटर की सॉइल डाली ऐसा हमको कब तक करते रहना है जब तक कि जो हमारा वेस्ट है वो करीब पचास सेंटीमीटर ऊपर ना आ जाए सरफेस से जब ये पचास सेंटीमीटर ऊपर आ जाता है सरफेस से इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद इसके ऊपर हम सॉइल डाल देंगे तो दैट इज आपका डीपरल फिर से समझाता हूँ पहले आपने दो मीटर का गड्ढा किया फिर आधा तो उसको आपने भर दिया बायोमेडिकल वेस्ट से ठीक बायोमेडिकल वेस्ट से जब आधा भर गया उसके बाद आपने उस पर दस सेंटीमीटर की लेयर डाली सॉइल की फिर अल्टरनेट डालते जाएंगे फिर दस सेंटीमीटर का बायोमेडिकल वेस्ट फिर दस सेंटीमीटर की सॉइल फिर दस सेंटीमीटर का बायोमेडिकल वेस्ट फिर दस सेंटीमीटर की सॉइल ये कब तक करना है जब तक कि जो आपने सरफेस है यानी कि जो जमीन की सतह है उससे करीब 50 सेंटीमीटर ऊपर तक ना आ जाए आपका कचरा जब आ गया तो सबसे आखिरी में उसमें आप सॉयल डाल दोगे मिट्टी डाल दोगे और उसको पूरी तरह से ढक दोगे ठीक और फिर ना यहाँ पे उसके चारों तरफ आप फेंसिंग भी लगा देते हो कि कोई वहां पे जा भी ना पाए तो यहाँ देखो ये दस 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 मीटर के आपके अल्टरनेट लेयर्स हैं बायोमेडिकल वेस्ट की और ये पचास सेंटीमीटर जब ऊपर हो गया तो उसके बाद आप उस पर मिट्टी पूरी की पूरी ढक दोगे यहाँ पे आपको दोनों तरफ चारों तरफ फेंसिंग मिल जाएगी ठीक तो इसको इस तरह से कुछ ये दिखता है ये आपको फेंसिंग से पूरा का पूरा बंद है यहाँ पे देखो तो वो ऊपर आ गया था उसके बाद उसको पूरा का पूरा सॉयल से ढक दिया गया है दैट इज आपका डीप प्यूरल समझ में आ गया तो इसको याद रखना थोड़ा सा क्योंकि इस पर एन आपको आ सकता है इसकी फ़ोटो पे या इसके क्वेश्चन पे आ सकता है कि भाई कितने कितने ऑल्टरनेट में डालते हैं ठीक तो ये तो हो गए हमारी पहली तीन मेथड्स तो मैकेनिकल प्रोसेस की आप देखो तो इसमें सब कुछ मैकेनिकल ही कर रहे हैं कुछ केमिकल यूज़ नहीं किया कुछ बायोलॉजिकली यूज़ नहीं किया कुछ हमने इनफैक्ट हीट यूज़ नहीं किया हमने सिर्फ मकैनिकली यहाँ पे हमने मैकेनिकली उसको कॉम्पैक्ट कर दिया यहाँ पे हमने मकैनिकली उसको तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर मैकेनिकली उसको लैंडफिल कर दिया सब कुछ मैकेनिकली कर रहे हैं ठीक है फिर मैकेनिकल प्रोसेस का तीसरा पार्ट आता है इनकेप्सुलेशन का मतलब क्या है आपको शब्द से ही समझ में आ रहा है कैप्सूल कैप्सूल में इनकैप्सुलेट कर दिया कैप्सूल बना के छोड़ दिया यानी कि हमने एक कंटेनर लिया जिसको कि पूरा का पूरा भर पहले तो वेस्ट डाल दिया उसमें जो कंटेनर था उसके अंदर वेस्ट डाल दिया और फिर उस कंटेनर को पूरा का पूरा किसी इमोबलाइजिंग मटेरियल से भर दिया इमोबलाइजिंग मटेरियल मतलब आपने उसको जब भर दिया उसके बाद सूखने दिया उसके बाद वो पूरा कड़क हो जाएगा जैसे कि प्लास्टिक फोम डाल सकते हो सैंड डाल सकते हो सीमेंट डाल सकते हो क्ले डाल सकते हो और फिर बाद में कंटेनर को ऊपर से सील कर दिया तो ये ना कुछ इस तरह का दिखता है ये पूरा का पूरा कंटेनर था ऊपर से सील कर दिया गया था साइड से पूरा बंद था वो तो ये जब पूरा सूख गया तो हमने इसको साइड से काट के इस तरह का दिखता है कि जो पूरा का पूरा वेस्ट था वो जो हमारा इमोबलाइजिंग मटेरियल था उसके अंदर मिलके पूरा का पूरा सील्ड कंटेनर में टाइटली पैक्ड हो गया तो ये एक तरह का इनकेशन ठीक है ये है चौथी प्रोसेस mechanical प्रोसेस की encapsulation. प्रोसेस मैकेनिकल की पांचवी इनर्टाइजेशन इनर्टाइजेशन पे याद रखना कभी कभी वेरी शॉर्ट नोट आ जाता है तो इनर्टाइजेशन क्या होता है इनर्टाइजेशन में हमने क्या किया पहले तो हमने बायोमेडिकल वेस्ट को लिया बायोमेडिकल को वेस्ट को लेके उसमें डाला सीमेंट फिर डाला लाइम फिर डाला पानी और फिर छोटे 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 क्यूब्स बना लिए और फिर डिस्पोज ऑफ किया ठीक है अब इसमें वेस्ट जो डाला हमने बायोमेडिकल वो कौन सा होता है मुख्यतः ये फार्माक्यूटिकल वेस्ट होता है यानी कि जो दवाइयाँ ख़राब हो गई हैं एक्सपायर्ड हो गई हैं कंटेमनेट हो गई हैं या फिर इंसिनरेटेड ऐश होती है जब हम येलो बैग्स वाली चीज़ों को इंसिनरेट जला देते हैं उसके बाद जो राख निकलती है उसको हम लेते हैं या तो दवाइयों को या राख को उसको लेते हैं उसमें डालते हैं सीमेंट लाइम पानी उसके बाद उसको अच्छे से मिलाते हैं क्यूब्स बनाते हैं फिर उसको सूखने के लिए रख देते हैं ऐसा हमने क्यों किया ठीक है और इंसेंटेड ऐश में भी याद रखना कौन सी मुख्यतः जिनमें हाई मेटल कंटेंट होता है अगर तो उसको हमको इनटाइजेशन में यूजफुल हो इनिटाइजेशन करना है अब ये सब हमने क्यों किया डायरेक्ट क्यों नहीं गाड़ दिया ये सब हमने इसलिए किया कि ये जितना भी फार्माक्यूटिकल या एशिज वाला वेस्ट है ये ना पूरा का पूरा एक जम जाए जब ये पूरा का पूरा जम जाता है तो जब आप इसको गाड़ोगे मिट्टी में तो ना ये मिट्टी के अंदर अपने जो फार्माक्यूटिकल प्रॉपर्टीज हैं या केमिकल्स हैं या मेटल्स हैं उसको छोड़ नहीं पाएगा और इसीलिए जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो जमीन को या जमीन के अंदर के पानी को कंटेमिनेट या गंदा नहीं कर पाएंगे समझ गए तो इनटाइजेशन समझ लेना कि भैया उसमें क्या क्या मिलाया कौन सा वेस्ट होता है और क्यों करते हैं याद रखना इन इंफेक्शियस वेस्ट के लिए उतना अच्छा नहीं कहा जाता है ठीक है तो इनर्टाइजेशन उतना यूजफुल नहीं है इंफेक्शियस वेस्ट के लिए ठीक इंसिनरेशन एश के लिए ठीक है तो इसको आप याद कर सकते हो आई एन

याद रखना कि जो इनटाइजेशन में लाइम होता है वो एज अ डिस इस्तेमाल होता है ठीक तो ये हो गया आपका इनटाइजेशन उसके बाद आता है तो ये हमारी मैकेनिकल प्रोसेस हो गई मैकेनिकल प्रोसेस में क्या क्या हो गया मैकेनिकल प्रोसेस में आपकी कॉम्पैक्टिंग हो गई श्रेडिंग हो गई लैंडफिल हो गया लैंडफिल के अंदर तीनों हो गए ओपन डर्म सैनिटरी लैंडफिल और डीप यूरियल उसके बाद हमने चौथे नंबर पे देख लिया इनकैप्सुलेशन पांचवें नंबर पे देख लिया इनर्टाइजेशन ठीक है तो ये हो गए हमारी पांचों मैकेनिकल प्रोसेस खत्म अब आती है भाई साहब थर्मल प्रोसेस थर्मल प्रोसेस में पहला तो भैया हीट डिसइंफेक्शन है हीट डिसइंफेक्शन में कुछ नहीं करना है आप चीजों को बॉईल कर दो 20 मिनट के लिए ये क्यों करते हैं हम जो शार्प और प्लास्टिक वेस्ट होता है ना उसका प्री ट्रीटमेंट करने के लिए इसको कैसे याद करेंगे जैसे मुझे तो याद है यार कि मैं जैसे दादाजी की क्लिनिक थी मम्मा की क्लिनिक थी उनमें ना जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे ना उनके उसमें एक ऐसा स्टील का बॉक्स रहता था जिसमें पानी भरा रहता था उसको वैसे जोड़ देता ऐसा उबलता रहता था उसमें उनको स्टेलाइज किया जाता था तो उससे मुझे याद है कि भैया हीट डिसइंफेक्शन करीब मम्मा बोलती भी थी कि 20-25 मिनट बाद या आधे घंटे बाद बंद कर देना तो जो शार्प वे उसमें जब आप खोल के देखते ना तो उसमें इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रहते थे तो शार्प वेस्ट वगैरह जो होता है प्लास्टिक वेस्ट्स वगैरह इनको आप इस तरह से प्रीट्रीट कर सकते हो ही डिस के लिए उसके बाद हॉट एयर ओवन आता है जो ये हॉट एयर ओवन होता है ना इसमें हम ग्लास वेयर पाउडर्स ऑयल्स इन सबको हम स्टरलाइज करते हैं और म्यूटलेट करते हैं ठीक अब याद रखना कि, कि ये क्यों क्योंकि टू स्टीम हम इसमें हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल करते हैं अब इसमें अलग अलग है कितनी देर तक करना है तो अगर आप 160 डिग्री तक करते हो तो दो घंटे 170 में एक घंटे 180 में 30 मिनट तो आप क्या कर रहे हो अगर आपने 10 डिग्री बढ़ाया तो सीधा सीधा है कि उसका आधा हो जाएगा जितना टाइम लग रहा था तो अगर 160 डिग्री है तो दो घंटे था तो आपने 10 डिग्री और बढ़ा दिया 170 कर दिया तो दो घंटे की जगह एक घंटे लगेंगे अब इसी 170 को अगर आपने 180 डिग्री से टीग्रेट कर दिया तो इसी एक घंटे की जगह सिर्फ तीस मिनट लगेंगे यानी कि आधे घंटे लगेंगे तो ऐसे याद कर सकते हो कि भैया दस दस डिग्री बढ़ाओगे तो जस्ट आधा होता जाएगा समय ठीक तो हॉट एयर ओवन याद रखना कि ये स्टाइलाइजेशन कराता है म्यूटिलेशन कराता है इसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं किन चीज़ों को हम डिसइंफेक्ट करते हैं इसमें हम ग्लासवेयर पाउडर्स या ऑयल्स को डिसइंफेक्ट करते हैं स्टाइलाइज करते हैं क्योंकि ये इम्परमेबल होते हैं स्टीम के ठीक तो ये हो गया थर्मल प्रोसेस की सेकेंड चीज़ दैट इज हॉट एयर ओवन फिर आती है ऑटोक्लेव भैया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर कई बार एम से क्यों आते हैं तो ऑटोक्लेव में हम करते क्या हैं ऑटोक्लेव में हम स्टीम करते हैं अंडर प्रेशर ठीक है हम स्टीम करते हैं अंडर प्रेशर तो इसको याद करने के लिए इसको अगर आप देखोगे ना तो आपको ये दिख ही रहा है भैया प्रेशर कुकर टाइप का दिख रहा है ना ये देखो यहाँ पे प्रेशर गेज भी है यहाँ पे वो जो उसमें अपना सेफ्टी वेलो अपने प्रेशर कुकर में होता है वो भी है ये हैंडल्स अपने प्रेशर कुकर में होते हैं या तो ऐसा लॉक कर देते हैं वो भी है ठीक है तो और प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए डिवाइस भी है, तो है ये प्रेशर कुकर बस थोड़ा सा स्टाइलिश टाइप का प्रेशर कुकर है ठीक तो तो है, है अब ना इसमें याद रखना कि इसमें लो हीट थर्मल प्रोसेस होती है बहुत ज्यादा हीट नहीं इंसिनरेशन टाइप की हीट बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन लो हीट थर्मल प्रोसेस ये होती है ना हर चीज के ऑटोक्लेव का भी देखोगे आप हाइड्रोक्लेव का भी देखोगे इनके ना कुछ बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं ये जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं ना ये बताते हैं आपको कि भैया ठीक तरह से हुआ कि नहीं हुआ स्टाइललाइज ठीक तरह से इसने काम किया कि नहीं किया तो बायोलॉजिकल इंडर इंडिकेटर जो होता है ऑटोक्लेव का वो क्या होता है तो वो होता है जियोबेसल स्टीरियोथर्मोफलस ठीक तो आ, अगर आप इसको यूज करते हो इस स्ट्रिप को तो एक स्ट्रिप में एटलीस्ट वन टू टेन टू द पावर ऑफ सिक्स पोस्ट पर स्क्रिप्ट तक ठीक है ठीक तो जीबीएस दैट इज जिओ बिस्लेस टेरियो थर्मोफिलस इंडिकेटर होता है ऑटोक्लेव का इसको याद कैसे करेंगे तो ऑटो में किसी भी ऑटो में जब आप बैठते हो तो सबसे पहले क्या ध्यान जाता है आपका सबसे पहले ध्यान जाता है क्योंकि भाई साहब हर ऑटो में आपको मस्त टाइप का स्टीरियो लगा हुआ मिलेगा और उसमें मस्त टाइप के गाने बज रहे होंगे है ना तुम तो टहरे पर देसी ऑटो में बैठे नहीं कि स्टीरियो उनका चालू हो जाता है तो ऑटो स्टीरियो ऑटो स्टीरियो तो ऐसे याद कर सकते हो ऑटो तो स्टीरो, स्टीरो थर्मोफिलस। याद रहेगा तो ऑटो में स्टीरो ऑटोम स्टीरो तो में क्लेव का जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है वो थर्मोफिलस तो थर्मोफिलस ऐसे याद कर सकते हो ठीक उसके बाद ग्रेविटी फ्लो ऑटोक्लेव होता है वैक्यूम फ्लो ऑटोक्लेव होता है अब यार देखो इनके आपको अगर टेम्परेचर प्रेशर मिनट्स याद रखने हैं तो करो मुझे तो ना यू में याद हो ना पी में याद हो बहुत कन्फ्यूजिंग होता है याद रखना ही है ना तो आई विल से कि ग्रेविटी फ्लो ऑटोक्लेव का जो है पहला वाला है ना इसको ज़रूर याद रख लेना दैट इज़ एक डिग्री सेंटीग्रेड पंद्रह पी प्रेशर और मोर देन सिक्सटी मिनट रखते हैं अगले अगर आपको याद रखना है एक वाला भी है वन वाला भी है वैक्यूम फ़्लो ऑटोक्लेव में भी है एक वाला एक तो वाला आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट ग्रेविटी फ्लो ऑटोक्लेव का ये जरूर याद रख लेना कि मोर देन 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं 15 पीएसआई प्रेशर पे रखते हैं और मोर देन 60 मिनट्स रखते हैं ठीक तो ये हो गया आपका ऑटोक्लेव व्हिच इज अ स्टाइलिश प्रेशर कुकर और ऑटो में स्टीरियो तो ऑटोक्लेव का जो इंडिकेटर होता है दैट इज टीजो थर्मोफिलस जिओबिस्लेस टीजो थर्मोफिलस और ये लो हीट थर्मल प्रोसेस होती है ठीक तो ये आपके हो गए हीट डिसइंफेक्शन हॉट एयर इवन और ऑटोक्लेव उसके बाद आता है हाइड्रोक्लेव तो भैया हाइड्रोक्लेव क्या होता है तो ना हाइड्रोक्लेव जो होता है आपका इसमें भी हम स्टीम स्टरलाइजेशन करते हैं अंडर प्रेशर इसमें क्या होता है कि छोटे 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 छोटे, -छोटे, -छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है आपका जो वेस्ट होता है वो टेम्परेचर इसमें वही एक सौ इक्कीस डिग्री और एक सौ बत्तीस डिग्री कोई भी इस्तेमाल हो जा हो सकता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका इसमें बेसलेस एट्रोफियस यूज करते हैं एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर कितना तो करीब मोर देन या इक्वल टू वन टू टेन टू पावर ऑफ पर स्ट्रिप के हिसाब से होना चाहिए तो इसमें जो याद रखने वाली चीज है नंबर याद रहना रहे, रहे भैया इंडिकेटर का नाम याद रख लेना दैट इज बेसलेस एट्रोफी स्पोर्स तो इसको कैसे याद रखेंगे ये है क्या ये है आपका हाइड्रोक्लेव हाइड्रोक्लेव यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया यहाँ पे आप डालते हो अंदर यहाँ से आप स्टीम का इनलेट होता है स्टीम डाली मतलब तो कि एक तरह से पानी को खूब सारा गर्म करके इसके अंदर डाल दिया ये मिक्सर है खूब तेज तेज चलता है उसके बाद वेस्ट का यहाँ से आउटलेट हो जाता है ये कुछ इस तरह का दिखता है याद रखना ये जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं ना इनकी इमेजेस आ सकती हैं तो इनकी इमेजेस को बहुत अच्छे से ध्यान रखना इमेजेस भी एम में आ जाती हैं ठीक

जो पाम्स या जो आपका पंजा होता है उसकी स्किन एकदम सिकुड़ जाती है तो आप क्या बोलते हो एट्रोफी हो गई तो क्या करोगे हाइड्रो यानी कि पानी में क्या हो जाती है आपकी एट्रोफी हो जाती है पानी में एट्रोफी तो हाइड्रोक्लेव का बायोलॉजिकल इंडिकेटर क्या होगा एट्रोफियस पानी में एट्रोफी तो ऐसे याद कर सकते हो पानी में एट्रोफी यानी कि हाइड्रोक्लेव में बेसलेस एट्रोफियस पोर्स जो होते हैं वो इसके इंडिकेटर्स होते हैं अब हाइड्रोक्लेव को किसके लिए इस्तेमाल नहीं करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया किसके लिए नहीं साइटोटॉक्सिक या हजारियस रेडियो वेस्ट है उसमें इस्तेमाल नहीं करना है बॉडी पार्ट्स या एनिमल कागज हैं उसमें इस्तेमाल नहीं करना है कोई लार्ज मेटल आइटम्स हैं उनमें भी हाइड्रोक्लेव का इस्तेमाल नहीं करना है ये चीज़ याद रखना कि भैया ये गलती ना हो ठीक तो ये तो हो गया आपका हाइड्रोक्लेव फिर आता है माइक्रोवेव इसको भी आप जब लैब्स में जाओगे ना माइक्रोवेव भी आपको देखने को लैब्स में मिल जाएगा तो इसमें हम करते क्या है इसमें हम वॉल्यूमेट्रिक हीटिंग करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल हजारियस वेस्ट की ये भी एक तरह का लो हीट सिस्टम होता है तो ये जो माइक्रोवेव्स होती हैं इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कितनी होती है ये इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी होती है टू फोर फाइव और इसका लगभग आधा कर दोगे ना तो कितना होता है One, two, two, five. तो इसमें बीच में पॉइंट लगा दो तो क्या हो जाएगा ट्वेल्व पॉइंट टू फोर या ट्वेल्व पॉइंट नाइनोमीटर की वेव लेंथ होती है तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी याद है तो वेव लेंथ तो अपने आप ही याद आ जाएगी फ्रीक्वेंसी कितनी है टू फोर फाइव जीरो मिलीहट्स तो टू फोर फाइव जीरो है तो आप इसको आधा कर दोगे तो वन टू टू फाइव पॉइंट लगा दो तो ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव या ट्वेल्व पॉइंट टू फोर इसकी होती है नैनोमीटर में, ओके? Okay? इसमें एक और चीज याद रखना कि माइक्रोवेव में जो वेस्ट डिस्ट्रक्शन होता है ना उसमें हम हीट कंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं जो माइक्रोवेव है इसमें हम हीट कंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्ट्रक्ट करने के लिए ठीक है तो माइक्रोवेव में क्या याद रखा पहली चीज तो माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट करना है आपको इसको निपटाना है हीटिंग करते हैं लो हीट सिस्टम होता है फ्रीक्वेंसी और हीट कंडक्शन के थ्रू वेस्ट का डिस्ट्रक्शन इसमें किया जाता है ठीक तो ये हो गया आपका माइक्रोवेव थर्मल प्रोसेस की पांचवी स्टेप उसके बाद आती है प्लाज्मा आर्क इसमें ना हम प्लाज्मा टॉर्च का कर इस्तेमाल करते हैं यानी कि हम आयोनाइज गैसेस जो होती हैं उसको हाई टेम्परेचर पे यूज करते हैं जिससे कि जो आपका वेस्ट होता है ना मुख्यतः ऑर्गेनिक वेस्ट उसका गैसिफिकेशन होता है और मोलिकुलर डिसोसिएशन होता है मतलब कि एकदम गैशियस लेवल पे उसका एकदम मॉलिकुलर लेवल पे वो निपट जाता है और गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें यूज करते हैं मुख्यतः हम ऑर्गेनिक वेस्ट को ठीक है तो इसमें याद रखने वाली चीज आयोनाइज गैस को हाई टेम्परेचर में इस्तेमाल करना है कितना हाई टेम्परेचर भैया 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस्तेमाल करते हैं तो ये कुछ इस तरह का होता है यहाँ से आप वेस्ट को अंदर डालते हो उसके बाद यहाँ पे आपकी प्लाज्मा टॉर्च होती हैं प्लाज्मा टॉर्च ये जो आपका वेस्ट गया उसको पूरी तरह से कैसीफाई कर देती हैं और फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है कुछ इस तरह का दिखता है ये ये पॉइंट आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये प्लाज्मा टॉर्च दिख रही है जब आप यहाँ से अंदर भेजते हो अपना जो वेस्ट है उसके बाद यहाँ पे जाके इसका गैसिफिकेशन हो जाता है प्लाज्मा कन्वर्टर या प्लाज्मा टॉर्च के थ्रू समझ गए तो इसकी इमेज याद रखना इमेजेस कई बार पूछ ली जाती हैं गामा रेडिएशन में भी हम रेडिएशन यूज करते हैं बस यहाँ पे यूज करते हैं इसको याद रखना कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है ना या क्लोदिंग्स हैं उनको हम गामा रेडिएशन के थ्रू डिसइंफेक्ट करते हैं तो गामा रेडिएशन किसमें रेडिएशन जो रीयूजल मेडिकल इक्विपमेंट्स या क्लोदिंग्स हैं उनमें हम गामा रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं तो प्लाज्मा आर्क भी हो गया गामा रेडिएशन भी हो गया अब आता है आपका वेट और ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट तो ये वेट और ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट में क्या क्या है देखो वेट थर्मल ट्रीटमेंट जो है ना इसको तो जो वेस्ट होता है उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर यानी कि स्टीम से आप एक्सपोज करते हो जिससे वो निपट जाता है तो ये हो गया आपका वेट थर्मल ट्रीटमेंट अब जो स्क्रू फीड टेक्नोलॉजी है ना इसको समझना ये ना नॉन बर्न ड्राई थर्मल डिसइंफेक्शन होता है इसमें आप वो जला तो नहीं रहे हो बस ड्राई थर्मल ड्राई हीट आप यूज कर रहे हो जिससे कि वो डिसइंफेक्ट हो रहा है अब इसमें वेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है और फिर गर्म किया जाता है रोटेटिंग अगार में तो यहाँ पे आपको ये स्क्रूफिट टेक्नोलॉजी से रोटेटिंग ऑगर दिख रहा है इसमें करते क्या है इसमें नीचे से गर्म करते रहते हैं और श्रेड कर देते हैं वेस्ट को तो होता क्या है घुमाते रहते हैं घुमाते रहते हैं घुमाते रहते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है करीब अस्सी प्रतिशत तक कम हो जाता है और वेट जो है करीब बीस से तीस प्रतिशत तक कम हो जाता है ये किस में देखने मिलता है आपने अगर जो रोड्स जब बन रही होती हैं तो आपने देखा होगा वहां पे एक ऐसी गोल टाइप की रोटेटिंग अगार होती है जो कि ऐसे घूमती रहती है और यहाँ पे उसका मुंह होता है जहाँ से आप गिट्टी डालते हो और फिर डांबर डालते हो और फिर ये ऐसा 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 घूमता रहता है देखा है आपने रोड पे बनते हुए तो रोड जब बनती है ना तो देखना साइड में येलोइश कलर की एक छोटा सा अः वो गोल गोल बॉल टाइप का रहता है उसके अंदर डांबर डालते हैं गिट्टी डालते हैं और फिर गोल 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 घूमता रहता है तो होता है क्या वो डांबर और जो गिट्टी होती है वो पूरी मिलके उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है एकदम गुत्थी टाइप का बन जाता है फिर उसको रोट पे डाल देते हैं और उस पर रोट चला देते हैं तो पूरा मिक्स करके क्या किया वॉल्यूम भी कम कर दिया वेट भी एकदम बहुत कम ऐसा गाढ़ा सा हो जाता है फिर आप उसको रोट पे डालते हो तो लगभग उसी टाइप का, का काम यहाँ पे होता है रोटेटिंग ऑगर में कि आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और वो जो गोल गोल घूमता रहता है ना नीचे उसके भट्टी लगी रहती है गर्म होता रहता है तो ऐसा गोल 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 घूमता रहता है या फिर इनफैक्ट जो डांबर होता है वो भट्टी में पका के डाला जाता है गोल गोल घूम के करते क्या है उसका वॉल्यूम कम करते हैं तो वही यहाँ पे कर रहे हैं आपने छोटे छोटे टुकड़ों में वेस्ट को काट दिया नीचे से आप उसको गर्म कर रहे हो और उसको घुमाते जा रहे हो तो वॉल्यूम करीब अस्सी प्रतिशत तक कम हो जाएगा वेट करीब बीस से तीस प्रतिशत तक स्क्रूफिट टेक्नोलॉजी में कम हो जाता है समझ गए इज so आपका स्क्रू फिट टेक्नोलॉजी इसमें हम मुख्यतः किसका इस्तेमाल करते हैं इसमें हम मुख्यतः इन्फेक्शियस वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं या शार्प वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट या शार्प वेस्ट को हम स्क्रूफिट टेक्नोलॉजी के तहत डिसइनफेक्ट करते हैं ठीक है थीके? तो ये हो गया आपका स्क्रू फिट टेक्नोलॉजी इसमें याद रखना इस पर जो एम आता है नॉन बर्न ड्राई थर्मल डिसइंफेक्शन में आपने डायरेक्ट जलाया तो नहीं ठीक है लेकिन ड्राई हीट का इस्तेमाल किया इसलिए ड्राई थर्मल बट नॉन बर्न डिसइंफेक्शन होता है उसके बाद ड्राई हीट स्टेलाइजेशन भी होता है उसमें हम शार्प वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं करीब एक डिग्री से ज़्यादा आप उसको हीट देते हो एक मिनट से ज़्यादा समय तक आप उसको रखते हो ड्राई हीट स्टेलाइजेशन में ना दोनों ही चीज़ आ जाएंगी आपका जो ऑटोम ऑटोमिस्टीरियो था यानी कि जियो बेसलेस स्टीरियोथर्मोफिलस और जो पानी में एट्रोफी हो रही थी यानी कि बेसलेस एट्रोफियस ये दोनों ही आपका ड्राई हीट स्टेलाइजेशन में आ जाता है एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर के तहत इसमें आपको दोनों ही मिल जाएंगे स्टीरियोथर्मोफिलस और ट्रोफियस दोनों ही आपको मिल जाएंगे कितना तो करीब मोर देन टेन टू द पावर ऑफ सिक्स ठीक तो ये हो गया आपका ड्राई हीट स्टेलाइजेशन तो ये तो हो गई की नौ मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना थर्मल प्रोसेस की वो है आपकी दसवें नंबर की जो है भाई साहब स्टेलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया स्टेलाइजेशन इसको याद रखना और इसको समझ लेना इंसिनरेशन इंसिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है पूरा थर्मल प्रोसेस में इसको याद रखना क्योंकि इंसिनेशन पे आपको सीधा सीधा शॉर्ट नोट आ जाता है बहुत सारी चीज़ इसमें लिखनी पड़ती है इसलिए आपको तो इंसिनरेशन सबसे पहली चीज इस लाइन पे कई बार क्वेश्चन आया है कि हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस है कि इसमें हाई टेम्परेचर के इस्तेमाल के लिए ये देखो टॉर्च दिख रही है इससे हम बर्नर होता है ये इससे हम आग लगाते हैं इसमें ऑयल ऑयल आता है ये देखो यहाँ से इसमें ऑयल आ रहा है यहाँ पे फैला भी हुआ है ऑयल आ रहा है और ये बर्नर है इससे हम इसमें आग लगाते हैं ठीक है थीके? तो हाई टेम्परेचर है और ऑक्सीडेशन होता है इसमें तो क्योंकि कंबशन हो रहा है यहाँ पे तो ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस है अब ना इसमें वेस्ट जो है ये वॉल्यूम और वेट दोनों इसका करीब 80 प्रतिशत तक कम हो जाता है भैया अब जल जाएगा तो राख बन जाएगा तो वॉल्यूम और वेट तो कम हो ही जाएगा ना भाई साहब तो इसमें मुख्यतः हम जला ही रहे हैं ठीक है तो इसमें क्या चीज़ नहीं जरूरत होती है इसमें ना इंसेंड्रेट अगर करना है आपको किसी चीज़ को तो प्री ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है हमने पढ़ा था याद है बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस जो हमने टॉपिक किया था उसमें आप वीडियो हमने इस पर चुके हैं आप चाहो तो देख सकते हो वहां पे उसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी येलो बैग में चीजें आते हैं सबको जला डालो तो भैया एक बात बताओ जब जलाना ही है तो प्री ट्रीटमेंट क्यों करना यहाँ पे डालना है भट्टी में आग लगा देनी है तो प्री ट्रीटमेंट की क्या जरूरत जलाना ही तो है राख ही तो बनाना है तो प्री ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है मगर इसका एक डिसएडवांटेज भी है इसकी एक बुराई क्या है ना भैया चलाओगे तो भैया जहां आग लगेगी वहां धुआं तो निकलेगा ही तो धुआं ही इसका मुख्यतः एक एक जो डिसएडवांटेज है वो धुआं है कि काफ़ी धुआं निकलता है अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो करीब 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सिंगल चेंबर भी है डबल चेंबर भी है हमारे पास सिंगल चेंबर है अगर प्राइमरी चेंबर है तो 800 डिग्री और सेकेंडरी चेंबर है तो करीब हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है अब इसको एक बार देख लेना और समझ लेना ये हमारी होती है वेस्ट की इनलेट यहाँ से हम वेस्ट को अंदर डालते हैं ठीक है यहाँ से ये अंदर जाता है उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है बर्नर तो ये होता है आपका बर्नर और इसमें अगर आप देखो तो ये पाइप पा आ रहा है यहाँ पे ऑयल आता है इसमें जो कि ऑट ऑबियसली फ्यूल के जैसा होता है ये आपको ऑयल दिख रहा है तो यहाँ से ये वेस्ट आपने यहाँ से डाला यहाँ से आपने आग के थ्रू इसको जला दिया तो ये आपको येलो येलो दिख रही है यहाँ पे वेस्ट आपका पूरा जल जाता है और फिर नीचे जो है इसकी राख जो है वो पूरी की पूरी ऐश जो है वो नीचे बैठ जाती है और इस तरफ कहीं पे पीछे की तरफ इसका डोर होता है जहाँ से इसकी राख को निकाल लिया जाता है ठीक है अब याद रखना कि जो येलो वाला है उसका पूरा का पूरा आइटम आएगा और जला दिया जाएगा इंसिनरेशन में और ये जो इंसिनरेटेड ऐश होती है ना इसको भी हम आगे भी पढ़ेंगे इसको हम ब्लैक बॉक्स में डाल देते हैं याद रखना ब्लैक बॉक्स बायोमेडिकल वेस्ट की गाइडलाइंस में अब नहीं आता है ठीक बायोमेडिकल वेस्ट की गाइडलाइंस में कौन कौन से आते हैं येलो आता है उसके बाद रेड आता है उसके बाद वाइट या ट्रांसलूसेंट आता आता है उसके बाद ब्लू आता है ब्लैक नहीं आता है ठीक तो ये हो गया हमारा इंसिनरेशन का कि भैया हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन है वॉल्यूम ऑफ वेट अस्सी प्रतिशत तक कम भैया जला नहीं है तो प्री ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है खूब सारा धुआं निकलेगा ठीक अब ये देखना कि भैया किन किन चीजों को इंसनड्रेट करते हैं उससे पहले ये देख लो कि किन किन चीजों को आपको इंसनड्रेट बिल्कुल भी नहीं करना है बहुत काट बांध लेना कि भैया इनको तो नहीं जलाना वरना पंगा हो जाएगा पहली चीज प्रेशराइज्ड गैस कंटेनर्स को नहीं डालना अब यार ये तो बट ऑब्वियस सी बात है तुम प्रेशराइज गैस कंटेनर को डालोगे तो फट नहीं जाएंगे वो लिखा रहता है ना तुम्हारे डी वगैरह में क्योंकि वो प्रेशराइज रहते हैं अब उसमें अगर तुम आग लगा दोगे तो होगा क्या फट जाएंगे इसलिए तो उनको फ्लेम से दूर रखने को बोलते हैं तो प्रेशराइज गैस कंटेनर्स को इसमें नहीं डालना फट जाएगा उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जिनमें कुछ मेटल्स या कुछ मटेरियल होता है जो कि आपको जलाना नहीं है जैसे

रेड cat, रेड cat, रेड cat, रेड cat, रेड cat, रेड cat, cat. तो ये हमने अपने बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस वाला और कैटेगरीज वाला जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया है आप जाके देख सकते हो तो ये रेड कैट हमने किया था कि भैया रेड बैग में कैडमियम होता है इसीलिए उसको नहीं जलाना है ठीक उसके बाद सील्ड एम्पुल्स वगैरह हैं तो भैया फिर से वही बात हो गई कोई चीज अगर सील्ड पैक है उसको अगर आप गर्म करोगे जलाओगे तो फटने के चांसेस हैं इसीलिए सील्ड एम्पल्स को तो नहीं और इनफैक्ट कई एम्पल्स जिनमें के हैवी मेटल्स हैं उनको भी आप नहीं जलाओगे उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिनको आपको इंसिनरेट नहीं करना है। पहली चीज शार्प वेस्ट इसको इंसिनरेट नहीं करना है ठीक है शार्प वेस्ट के लिए मुख्यतः हम शार्प पिट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी पी एच में आप जाओगे तो वहां पे आपको ऐसे जमीन रहेगी उसके नीचे पूरा का पूरा ऐसा गड्ढा बनाते हैं ऊपर ऐसा एक पाइप लगा देते हैं और पाइप के ऊपर ऐसा एक ढक्कन लगाते हैं जो कि खुलता है यहाँ से आप शार्प वेस्ट जैसे कि नीडल्स वगैरह उसमें डालते हो और ये नीडल्स इसमें धीरे 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 भरती जाती हैं जब ये पूरी भर जाती है तो आप इसको सील पैक कर देते हो दूसरी शार्प पेट बनाते हो तो शार्प वेस्ट को आपको इंसिनरेट नहीं करना है उसके अलावा रिएक्टिव केमिकल वेस्ट है या रेडियो एक्टिव वेस्ट है तो इसको भी आपको इंसिनरेट नहीं करना है तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको भाई साहब जलाना नहीं है इंसिनरेट नहीं करना है ठीक है उसके बाद आता है है किनको जलाना है या किनको इंसिनरेट करना है फिर वही हमने अपने बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस और कैटेगरीज वाले वीडियो में डिस्कस किया था जितने भी येलो कैटेगरी वाली चीजें हैं उन सभी को उठा के जला दो क्योंकि ज्यादातर जिंदा लोगों को जब मर जाते हैं तो हम क्या करते हैं जला देते हैं तो जिंदा चीजें हम ज्यादातर येलो में डालते हैं तो येलो वाले को आपको जला देना है तो अगर आप देखो तो ये सभी येलो कैटेगरी वाले हैं ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट एनिमल एनाटोमिकल वेस्ट माइक्रोबायोलॉजिकल या बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट एक्सपायर्डेड मेडिसिन सॉइल्ड वेस्ट केमिकल वेस्ट बेडलिन या बेडिंग्स पेशेंट की ये सभी की सभी येलो कैटेगरी में आते हैं और इन सभी को आपको चला देना है समझ गए तो इसीलिए आप वहां जाओ कि जब बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस वाले वीडियो में आप देखो कि जाकर तो वहां पे येलो वाले में सब में आखिरी में इंसनरेशन जरूर मिलेगा आपको ठीक तो ये सभी जो हैं वो चीजें हैं जिनको आपको जलाना है या इंसनरेट करना है अब अगर आपको चीजों को जलाना ही है तो भैया क्या क्या उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए कि भाई वो अच्छे से जल जाए तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए वेस्ट के जो कि सूटेबल होता है इंसिनरेशन के लिए तो भैया किसी भी आपको चीज़ को जलाना है तो उसमें आपको क्या चाहिए पहली चीज तो लो हीटिंग वॉल्यूम होना चाहिए कि कम हीट में ही अच्छे से जल जाए सेकंड चीज़ इज वो जो वेस्ट है उसमें कंबस्टेबल मैटर यानी कि ज्वलनशील पदार्थ जो है साठ प्रतिशत से भी ज्यादा होना चाहिए तभी तो आसानी से चलेगा ना यार अगर ज्वलनशील पदार्थ तो उसमें साठ प्रतिशत से ज्यादा होगा तभी अच्छे से चलेगा और दूसरी चीज क्या कम ज्यादा क्या चाहिए कंबस्टिबल मैटर कम क्या चाहिए मॉइस्चर नमी हमको कम चाहिए भैया अगर नमी ज्यादा होगी तो चलेगी कैसे वो आपने आ, जब बारिश वगैरह में हमारे यहाँ पूजा होती है हवन होता है या जब लकड़ियों को जलाना रहता है तो अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट रहता है तो वो अच्छे से जलती नहीं है इसीलिए जो भी वेस्ट है उसमें मॉइस्चर कंटेंट को ध्यान रखना तीस प्रतिशत से भी कम होना चाहिए ठीक है तो जो भी आपका वेस्ट है जिसको आपको इंसिनरेट करना है उसमें मॉइस्चर कंटेंट तीस प्रतिशत तक कम होना चाहिए उसके बाद आता है ऐसी चीज़ें जो जलती नहीं है जैसे कि नॉन कम्बस्टिबल सॉलिड होते हैं वो भी करीब पाँच प्रतिशत से कम होना चाहिए भैया ये जलेगी नहीं तो कम रखो ना ऐसी नॉन कम्बस्टिबल फाइन्स जो होते हैं उनको भी करीब बीस प्रतिशत से कम होना चाहिए ठीक तो याद रखना जैसे कि आप देख सकते हो ये सभी अंडरलाइन है यानी इन सभी पे एमसीक्यूज आते हैं तो इनको आपको याद रखना है नंबर में हमेशा याद करने को नहीं बोलता हूँ लेकिन इसके तो याद रखना यार अब सवाल यह है कि सर कैसे याद रखेंगे कितने याद रखेंगे तो भैया बहुत ईजी है सी है आपका क्या कंबस्टिबल मैटर तो ये जो सी है इसको थोड़ा सा और कर दो तो सिक्स बन जाएगा तो सिक्सटी परसेंट आपका कंबस्टिबल मैटर हो गया ऐसे ही एम जो है आपका मॉइस्चर कंटेंट है तो इस एम को अगर आप टेढ़ कर दोगे तो ये बन जाएगा थ्री तो तीस प्रतिशत से कम आपको मॉइस्चर कंटेंट रखना है ऐसे जो नॉन कंबस्टिबल सॉलिड है नॉन कंबस्टिबल सॉलिड है तो ये एंड को आप उल्टा कर दोगे या एक मिनट इसको मिटा देते हैं ये जो नॉन कंबस्टिबल सॉलिड है तो इसका जो एस है ये आपको अपने आप ही फाइव जैसा दिख रहा है तो पाँच परसेंट से कम ऐसे ही जो मॉइस्चर है मॉइस्चर को आप उल्टा कर दोगे तो तीन हो जाएगा तो तीस परसेंट से कम ऐसे ही कम्बस्टिबल का सी है इसको सी को आप बढ़ा दोगे तो सिक्सटी परसेंट से ज़्यादा तो ऐसे याद कर सकते हो कम्बस्टिबल मैटर सी से सिक्स बना दिया सिक्सटी मॉइस्चर एम को तिगड़ा कर दिया तो तीन बन गया तो थर्टी परसेंट से कम नॉन कम्बस्टिबल सॉलिड तो एस को आपने फाइव बना दिया तो फाइव परसेंट से कम याद रहेगा तो ये हो गया आपका वो सारी चीजें कि अगर आपको किसी वेस्ट को इंसिनरेट करना है तो क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए तो लो हीटिंग वॉल्यूम होना चाहिए उसका कम्बस्टेबल मैटर साठ परसेंट से ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट तीस परसेंट से कम नॉन कम्बस्टेबल सॉलिड पाँच कम पर पाँच परसेंट से कम और नॉन कम्बस्टेबल फाइंस जो है वो भी बीस से कम ठीक तो ये तो हमने पूरा का पूरा इंसिनरेशन पढ़ लिया अब इंसिनरेटर्स को अगर आपको पढ़ना है ना तो मुख्यतः तीन चीज़ें इसमें याद रखना डबल चेंबर सिंगल चेंबर और रोटेटरी जो डबल चेंबर होता है ना ये इन्फेक्शस वेस्ट के लिए अच्छा होता है तो ये आपका डबल चेंबर है इसको याद रखना इसकी इमेज पे भी आपको एम आ चुका है तो इमेजेस याद रखना सभी की सिंगल चेंबर जो होता है सिंगल चेंबर जो होता है उस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है इसके एडवांटेजेस तो हैं कि भैया एफिशिएंसी इसकी अच्छी होती है कम पैसे लगते हैं और इसमें कोई स्किल्ड मैन पावर की भी जरूरत नहीं होती है मगर परेशानी क्या है एक तो जो सभी इंसिडेटर में होती है खूब सारा धुआं निकलता है और सेकेंड ना थर्मो रेजिस्टेंट केमिकल्स जो है उसके लिए अच्छा नहीं है और साइटोटॉक्सिक ड्रग के लिए जो आपका सिंगल वाला है ना ये उतना बेहतर नहीं है ठीक है सिंगल वाला तो इसमें थोड़ी सी परेशानी ये होती है तो आपने डबल चेंबर देख लिया आपने सिंगल चेंबर देख लिया और ये होती है आपकी रोटेटरी ये अंदर दिख रहा है पूरा का पूरा आपको अंदर ये घूमती है ऐसी 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 तो ये हो गई आपकी रोटेटरी किन्स समझ गए तो इनको घुमाने के लिए रोटेटरी किन्स तो तीन तरह के याद रखना डबल चेंबर सिंगल चेंबर और रोटेटरी किन्स ठीक तो इंसिनरेशन में हमने ये सब तो पढ़ लिया कुछ थोड़े थोड़े से पॉइंट हम याद कर लेते हैं पहला तो यही हमने पहले भी पढ़ा था कि इंसिनरेशन ऐश जो है जो आपने जला दिया सारे वेस्ट को उसके बाद जो राख निकली उसको काले बैग में ब्लैक बैग में या ब्लैक डब्बे में डालते हैं याद रखना कि ब्लैक डब्बा अब बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरीज में नहीं आता है बायोमेडिकल की वेस्ट कैटेगरीज में येलो आता है रेड आता है वाइट आता है और ब्लू आता है ब्लैक नहीं आता है ठीक मगर इंसनेशन एश को आपको ब्लैक बैग में डालना है अब इंसनेशन ऐश जो है अगर हम पहले की बात करें पहले की यानी कि जब पहले पुरानी किताबों में आप पढ़ोगे ना तो इंसनेशन ऐश भी बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरीज में कैटेगरी नाइन में आती थी पुराने क्लासिफिकेशन में अगर आज की बात करो तो इंसिनेशन ऐश किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं आती है आज की डेट का क्लासिफिकेशन क्या है कितनी कैटेगरीज है सिर्फ चार कैटेगरीज हैं वो चार कैटेगरीज उसके चार कलर हैं येलो उसके बाद रेड उसके बाद वाइट उसके बाद ब्लू ठीक है ये हमने बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस और कैटेगरीज में डिस्कस किया हुआ है आप चाहो तो जाके वो वीडियो देख सकते हो तो याद रखना इंसिनरेशन ऐश आज की डेट में किसी क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं आता है ठीक फिर आता है कि जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होती है ना उनको डिस्पोज ऑफ़ करने के लिए इंसिनरेशन का ही आज भी इस्तेमाल किया जाता है इनफैक्ट इंडिया में बात करें तो साइटोटॉक्सिक ड्रग को भी इंसिनरेशन के थ्रू ही डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो अगर आपको आता है एक्सपायर्ड मेडिसिन के लिए इंसिनरेशन और इन्फैक्ट इंडिया में साइटोटॉक्सिक ड्रग के लिए तो हम इंसिनरेशन का इस्तेमाल करते हैं येलो बैग हमने पहले भी डिस्कस किया जितना भी येलो बैग में या येलो कैटेगरी में जितने भी वेस्ट आते हैं सबको चला डालना है कैसे याद किया था कि भैया येलो है येलो मतलब जिंदा चीज़ें हैं तो उनको मरने के बाद जला डालो ठीक ये भी हमने अपना बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइन कैटेगरीज में डिस्कस किया था फिर आता है ब्रिक इंसिनरेटर ब्रिक इंसिनरेटर जो होता है इसको हम इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है ज्यादातर हम इंफेक्शियस फेस के लिए नहीं लेकिन अगर ब्रेक इन से नेटर है तो हम इनफेक्शस फेस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा इंसिनरेशन तो इतनी चीजें याद रखना कि भैया इंसिनरेशन के बारे में कि भाई ये हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन मेथड है वेट और वॉल्यूम दोनों अस्सी प्रतिशत तक जलाना ही है तो प्री ट्रीट क्यों करना और स्मोक बहुत ज़्यादा निकलता है इस तरह का कुछ दिखता है इमेजेस की याद रखना उसके बाद किन किन चीज़ों को नहीं जलाएंगे ये हमने देख लिया था प्रेशराइज सिल्फर हैलोजनेटेड मर्कोरी कैडमियम सील्ड हैवी मेटल शार्प रिएक्टिव और रेडियोक्टिव वेस्ट को नहीं जलाएंगे किन किन चीज़ों को जलाएंगे तो हमने ये देख लिया था कि भैया येलो कैटेगरी की सारी चीज़ों को आप जला डालो उसके बाद हमने देखा था अगर जलाना ही है तो क्या क्या, -क्या चीजें होनी और नहीं होनी चाहिए तो लो हीट वॉल्यूम होना चाहिए ज्वलनशील पदार्थ सात प्रतिशत से ज्यादा मोशर तीस परसेंट से कम सॉल नॉन कम्बस्टेबल सॉलिड ऑफ फाइन नॉन कम्बस्टेबल सॉलिड पांच से कम और फाइन 20 प्रतिशत से कम हमने डबल चेंबर देख लिया सेमिकल चेंबर देख लिया रोटेटरी किन्स देख लिया और हमने कुछ चीज़ें इसके बारे में थोड़ी सी और देख ली तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ थर्मल प्रोसेस ठीक है थर्मल प्रोसेस के बाद तीसरा जो प्रोसेस था बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट मोडलिटीज में वो है हमारा केमिकल प्रोसेस तो केमिकल प्रोसेस में मुख्यतः आपको दो चीज़ें याद रखनी है एक है डिसइनफेक्टेंट्स दूसरा है एंटीसेप्टिक्स इसको कैसे याद करेंगे दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल ना डिस्ट्रॉय करने में या इनिबेट करने में पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है डिसइंफेक्टेंट जो होता है वो डिस्ट्रॉय करता है और इनिबेट करता है जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम होते हैं उनकी ग्रोथ को नॉन स्पोरिंग और वेजिटेटिव स्टेट में अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना इसको किस पे अप्लाई करते हैं इसको अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स पे जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स हो गया सरफेस हो गया उस पे इसको अप्लाई करते हैं तो आज की डेट में तुमने देखा ना हर चीज़ को हम डिस करते हैं तो हम सरफेस को किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सरफेस को यानी कि हम चीज़ों को डिसइंफेक्ट करते हैं याद रखना ठीक है तो चीज़ों को डिसइंफेक्ट कहते करते हैं उनके सरफेस पर हम डिस डाल देते हैं तो याद रखना यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को हम डिस करते हैं ठीक है

यहाँ पे आपको ऐसा निमोनिक याद करना है कि भाई आजकल जब कोरोना फैला हुआ है तो आजकल सब चीजों को डिसइंफेक्ट यही करते हैं ना हम आजकल सब चीजों को हम डिसइंफेक्ट ही तो करते हैं बाहर से आने वाली हर चीजों को डिसइंफेक्ट करते हैं तो इसमें क्या क्या याद हो जाएगा आपको डिसइंफेक्ट डिसइंफेक्ट से क्या याद रहेगा डिसइंफेक्टेंट चीजों से याद रहेगा आपको ऑब्जेक्ट्स यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स और सबसे याद रहेगा आपको सबटिलिस तो आजकल सब चीजों को डिस इससे आपको याद रहेगा कि भैया चीजों को यानी कि सर्फिस को इंस्ट्रूमेंट्स को या ऑब्जेक्ट्स को आप डिसइंफेक्ट करते हो और सबसे याद रहेगा कि बेसलस सबटिलिस इसका इंडिकेटर होता है समझ गए तो डिसइनफेक्ट आप ऑब्जेक्ट्स को करते हो सेकेंड इज एंटीसेप्टिक तो एंटीसेप्टिक काम क्या होता है ये भी वही डिस्ट्रॉय करता है या इनविट करता है माइक्रो को ऑन लिविंग टिश्यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे लिविंग टिश्यू है तो वही फिर वही कि इसको अप्लाई कहाँ करना है आपको एंटीसेप्टिक को सरफेस ऑफ द बॉडी इन शरीर पे या अगर कोई टिश्यू एक्सपोज हो गया चोट वगैरह लगने की वजह से तो उस पे तो लिविंग टिश्यू पे जिंदा चीज़ों पे एंटीसेप्टिक का कर इस्तेमाल करते हो तो ये डिटॉल वगैरह आप देखते हो ना कि भाई एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल आप चोटों पे करते हो शरीर पे करते हो जिंदा चीजों पे जबकि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन पे आप ऐसा स्प्रे करके नहीं डिसफेक्ट करते हो तो डिस करते हो ऑब्जेक्ट पे एंटीसेप्टिक करते हो लिविंग टिश्यूज पे ये याद रखना ये वाइवा में पूछा ही जाता है ठीक अब सबसे आखिरी में आ गया आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में एक तो हो जाती है आपकी कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग में क्या करते हो आप आपने मिट्टी ली उसके बाद गाय का गोबर लिया उन दोनों को मिलाया और उसके बाद आपने जो वेस्ट है उसको मिलाया और उसको इस तरह से ढेर बना दिए अब ना, ये अच्छा तो होता है मिट्टी के लिए क्योंकि इससे जो मिट्टी से खाद बनती है मगर ना ये बहुत अच्छी या सेफ मेथड नहीं होती है डिस्पोजल की तो इसको याद रखना कि कंपोस्टिंग इज़ गुड फॉर सॉइल मगर इट इज़ नॉट अ सेफ मेथड ऑफ़ डिस्पोजल तो इसमें किसका यूज़ करते हैं हम वेस्ट लेते हैं उसको मिट्टी और काउडंग में मिलाते हैं या गोबर में मिलाते हैं फिर उसके ऐसे ऐसे टीले बना लेते हैं ऐसा ऐसा और उसके बाद उसका ऐसा मेन्यूर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर सॉइल मगर उतनी सेफ़ मेथड तो नहीं है लेकिन हाँ मिट्टी के लिए अच्छी है ठीक वर्मी कंपोस्टिंग में क्या करते हैं आप वर्मी कंपोस्टिंग अब वर्मी बोल दिया आपने तो वर्म का इस्तेमाल करोगे तो अर्थ वर्म्स का इस्तेमाल करते हैं हम यानी कि केचुएं लेते हैं मिट्टी लेते, है, आ, लेते हैं और फिर वही मेच्योर काउडंग या खाद लेते हैं और कोकोनट हस्क भी लेते हैं इन चारों को मिलाते हैं फिर वैसे ही हम करते हैं मगर याद रखना कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए कंपोस्टिंग उतनी अच्छी नहीं है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए वर्मी कंपोस्टिंग अच्छी है ठीक तो ये हो गया आपका कंपोस्टिंग ये हो गया आपका वर्मी कंपोस्टिंग अब यहाँ वर्म यूज़ कर दिया है तो अर्थ फॉर्म डाल देना ठीक है उसके बाद आता है बायोडाइजेशन तो ये आपने गांव वगैरह में देखे होंगे बायोगैस प्लांट वगैरह होते हैं तो जो किचन से निकलने वाला कचरा होता है या लेफ़्ट ओवर फूड होता है उसको हम डाल देते हैं यहाँ मिक्सिंग पिट में यहाँ से ये अंदर जाता है फिर वो जो होता है अपने आप धीरे 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 दी धीरे वो सड़ता है मैन्यू मीथेन बनाता है मीथेन यहाँ से बाहर निकलती है जो कि जलाने के काम आती है जो बाकी बचा हुआ कचरा होता है वो मेन्योर यानी कि खाद बना देता है और इसीलिए ये खाद हम खेती में इस्तेमाल करते हैं और इसलिए ये रूरल सेटिंग के लिए अच्छा है समझ गए तो हमने क्या देखा ये जो किचन का या लेफ्ट ओवर फूड है इसको हमने यहाँ डाला यहाँ से ये यह अंदर गया यहाँ से ये यह, जब पूरा का पूरा डिसइंफेक्ट हुआ तो धीरे धीरे इसने मीथेन छोड़ी मीथेन ऐसी बाहर आ गई ये गैस होल्डर ऊपर जो ये बना हुआ है इसमें पूरी मीथेन भरी हुई होती है और ये आपको पाइप दिख रहा है इससे हम मीथेन सप्लाई करते हैं गैस आउटलेट होता है ये ठीक है उसके बाद यहाँ से पार्टीशन वॉल के थ्रू बाकी जो चीज़ें होती हैं वो बाहर निकलती हैं तो मैन्योर यानी कि खाद बाहर निकलती है जिसको आप किसानी में यूज कर सकते हैं तो दैट इज बायो डाइजेशन तो इसकी भी आपको इमेज आ सकती है बायोडाइजेशन की और कंपोस्टिंग की भी इमेज आ सकती है तो इनको भी याद रखना ठीक तो इतनी चीज़ें हैं जो हमको ट्रीटमेंट मोडलिटीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट में पता होनी चाहिए अगर मैं बात करूँ सवाल की तो भैया इस पे थ्योरी में अगर मैं बोलूँ तो आपको बड़ा क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इम्पोर्टेंट है इनफैक्ट थ्योरी में आपको शॉर्ट नोट में इंसिनरेशन पे तो आपको सवाल आता ही आता है स्टार क्वेश्चन है पूछा ही पूछा जाता है कहीं ना कहीं तो फंसेगा ठीक है इनफैक्ट इनर्टाइजेशन पे भी आपको कई कभी कभी वेरी शॉर्ट नोट आ जाता है ठीक उसके बाद अगर मैं बात करूँ वाइवा की तो वाइवा में कुछ चीज़ों का याद रखना जैसे कि ये डीप प्यूरियल है डीप प्यूरियल में आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया कितना कितना डालता है तो आपको दो मीटर गड्ढा होना चाहिए आधा आप भर देते हो उसके बाद दस दस सेंटीमीटर की ऑल्टरनेट लेयर ले डालते हो पचास सेंटीमीटर जब रह जाता है तो मिट्टी डालते हो ये वाइवा में पूछा जाता है ठीक है उसके बाद आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि भैया इनर्टाइजेशन हाँ याद रखना इनर्टाइजेशन में क्या क्या चीज़ डालते हैं तो सीमेंट लाइम वाटर और बायोमेडिकल वेस्ट तो डालते हैं अगली चीज़ पूछी जाती है किसके लिए करते हैं इनर्टाइजेशन तो फार्माक्यूटिकल या इन इंसनेटेड ऐश के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा का क्वेश्चन है याद रखना कि लाइम को क्यों इस्तेमाल किया लाइम जो है ना एनर्टाइजेशन में एज अ डिस होता है इसीलिए लाइम का इस्तेमाल करते हैं ये वाइवा में पूछा जाता है याद रखना ठीक उसके बाद वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑटोक्लेव का इंडिकेटर कौन होता है तो भैया स्टीरियोथर्मोफिलस uh, हमने ऑटो में स्टीरियो याद किया था ठीक उसके बाद हाइड्रोक्लेव में भी आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है इसका इंडिकेटर कौन सा होता है तो हमने पानी में एट्रोफी याद किया था तो बेसलेस एट्रोफियस ठीक आपसे माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पूछ ली जाती है तो ये भी याद रखना टू फोर फाइव जीरो उसको अदा कर दो वन टू टू फाइव तो ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव या ट्वेल्व पॉइंट टू फोर उसके बाद आपसे वाइवा की बात करूँ तो वाइवा में आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया स्क्रू स्क्र्यूफीड टेक्नोलॉजी जो होती है वो उसमें क्या यूज कर, किस में यूज करते हैं तो ये रोटेटिंग ऑगर ये शब्द पूछ लिया जाता है इसको याद रखना ठीक इंसिनरेशन पे वाइवा आपको जा सकता है तो इंसिनरेशन में आपसे पहली चीज पूछी जाती है कि क्या इसमें प्री ट्रीटमेंट करना है तो नहीं करना है और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है तो स्मोक डिसएडवांटेज सॉरी स्मोक वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या चीजें नहीं जलाओगे तो ये जरूर याद रखना वाइवा के लिए इंसिनरेशन तो येलो वाली सारी चीज़ें ये भी वाइवा में पूछी जाती हैं ठीक हाँ ये वाइवा में पूछा जाता है कि भैया अगर जलाना ही है तो उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए ठीक तो इंसेंडरेटेड ऐश किसमें डालोगे ये भी आपसे वाइवा में कई बार, तो बार पूछ लिया जाता है और येलो बैग की चीजों को क्या करोगे तो इंसिनरेट किया जाता है ये भी आपसे वाइवा में कई बार पूछ लिया जाता है ठीक वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक इनमें फर्क बताओ तो जो डिसइंफेक्टेंट होता है वो ऑब्जेक्ट्स पे करते हैं जबकि एंटीसेप्टिक लिविड टिश्यू पे करते हैं ये वाइवा में पूछा जाता है याद रखना ठीक है तो इतनी चीज़ें तो एटलीस्ट आपसे वाइवा में पूछी जाती हैं अगर मैं बात करूं एम की तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं हमारे नोट्स और स्लाइड्स में वो सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एम सी क्यूज हैं पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं तो एक एम सी क्यू मुझे ये मिला था कि भैया ओल्डेस्ट मेथड ऑफ़ डिस्पोजल लैंडफिल होता है उसके बाद एक मुझे ये मिला था कि भैया आउटडेटेड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं तो उसको क्या करोगे तो सिक्योर लैंडफिल करेंगे एक एम सी क्यू मुझे इनर्टाइजेशन पर मिला था कि क्या क्या चीज़ें करते हो आप तो सीमेंट लाइम वाटर को मिलाते हो और क्यूब्स बनाते हो एक एम सी क्यू मुझे ये मिला था कि भैया फार्माक्यूटिकल वेस्ट के लिए क्या है इनर्टाइजेशन उसके बाद एक एमसीक्यू मुझे ये मिला था कि किसको नहीं एनाटाइज करना है तो इंफेक्शियस वेस्ट को नहीं करना है ठीक एम सी क्यू मुझे हॉट एयर ओवन पे भी मिले हैं याद रखना मैंने कहा था कि 160 से दो एक सौ साठ डिग्री पे है तो दो घंटे उसके बाद जैसे जैसे दस डिग्री बढ़ाओगे उसका आधा करते जाना तो तीनों पे ही मुझे एम मिले हुए हैं ऑटोक्लेव पे इस चीज़ पे एम मिला है कि भाई ये लो हीट थर्मल प्रोसेस होती है और ऑटो में स्टीरियो हमने पढ़ा था तो इसके इंडिकेटर पे भी मुझे एम मिला था तो जियो बेसलेस स्टीरियो थर्मोफिलस ठीक मुझे हाइड्रोक्लेव के भी इंडिकेटर पे एम मिला था तो हमने कहा ही था पानी में एट्रोफी तो हाइड्रोक्लेव में बेसलेस एट्रोफियस स्पोर्स एक एमसीक्यू मुझे माइक्रोवेव पे भी मिला था कि ये भी लो हीट सिस्टम होता है ठीक वेट एंड ड्राई थर्मल मेथड में खासकर स्क्रूफी टेक्नोलॉजी में मेरे को एक एमसीक्यू मिला था कि ये नॉन बर्न ड्राई थर्मल डिसइंफेक्शन होता है और इस पे भी एक एमसीक्यू आया है कि वॉल्यूम कितने प्रतिशत तक कम होगा और वेट कितने प्रतिशत तक कम होगा तो वॉल्यूम 80 तक और वेट करीब थर्टी बीस से तीस प्रतिशत तक कम होगा तो वेट को तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि टेढ़ा करोगे तो तीन बन जाएगा तो थर्टी वेट आपका करीब तीस प्रतिशत तक कम हो जाता है और वॉल्यूम एक्चुअली मैं तो ऐसे याद करता था कि ये एक वी बना दिया उसके ऑपोजिट में दूसरा वी बना दिया दोनों को जोड़ दोगे तो ये आठ बन जाएगा आपका तो वॉल्यूम करीब एट्टी प्रतिशत तक कम होता है मुझे ऐसे याद होता था उसके बाद इंसिनरेशन पे भी एक एमसीक्यू मिला हुआ है कि भैया इस इसपे तो कईयो बार पचासो बार स्टार एमसीक्यू है ये कि हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार एमसीक्यू है ठीक है ये तो आपको पता है यार इस पे भी एमसीक्यू है और इजी भी है कि भैया स्मोक इसका डिसएडवांटेज तो होता ही है ठीक किन किन चीजों को नहीं जलाना बहुत बार एमसी और खासकर शार्प वेस्ट को नहीं जलाना है रिएक्टिव वेस्ट को नहीं जलाना है और रेडियो वेस्ट को नहीं जलाना है इसपे एम पूछा जा चुका है इंसेंड्रेट किसको करना है तो येलो वालों को सबको इंसेंड्रेट करना है उसमें प्लासेंटा पे सवाल पूछा जा चुका है एनिमल एनाटोमिकल वेस्ट पे सवाल पूछा जा चुका है सॉइल वेस्ट पे सवाल पूछा जा चुका है एम कि भैया इनको जलाना है इसके तो हर लाइन पे एम आया है कि अगर जलाना है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए लो हीट वॉल्यूम होना चाहिए कम्बस्टेबल मेटर साठ से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट तीस से कम नॉन कम्बस्टेबल सॉलिड पाँच परसेंट से कम और नॉन कम्बस्टेबल फाइन बीस परसेंट से कम सभी पे एमसीक्यू आया हुआ है ठीक अगर टाइप्स की बात करें तो जो डबल चेम्बर है उस पर एम आया हुआ है पायोलिटिक पे इसकी इमेज पे भी एम आया हुआ है ठीक है उसके बाद सिंगल चेम्बर में इसका डिसइनफेक्टेड एफिशिएंसी अच्छी होती है इसपे भी एमसीक्यू आया हुआ है कि डिसएडवांटेज पे आया हुआ है कि भाई ये स्मोक बहुत छोड़ता है और थर्मोरेजिस्टेंट केमिकल के लिए उतना अच्छा नहीं होता है इसपे भी एमसी आया हुआ है ठीक उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी इंसिनरेशन की तो काले बैग में डालना है इंसिनरेटेड ऐश को इस सी क्यू आया हुआ है साइटोटॉक्सिक ड्रग पे एम सी क्यू आया हुआ है कि इंसिनरेट करते हैं इंडिया में येलो बैग की ज़्यादातर चीज़ों को इंसिनरेट करते हैं इस पर भी एम सी क्यू आया है और ब्रिक इंसिनरेटर इन्फेक्शस वेस्ट के लिए करते हैं इस पर भी एम सी क्यू आया हुआ है डिसइंफेक्टेंट का जो इंडिकेटर होता है वो बेसलेस सप्टेलस होता है इस पर भी एम सी क्यू आया हुआ है और कंपोस्टिंग जो है वो सॉइल के लिए तो अच्छी है लेकिन उतनी सेफ नहीं है उसके पे भी एक एम आया हुआ है ठीक तो अगर हम एम की बात कर रहे हैं ना तो एक चीज़ और देख लेना कि जितने भी इसकी इमेजेस हैं सारी इमेजेस याद रखना सारी इमेजेस जो हैं इनको अच्छे से देख लेना क्योंकि आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में इन इमेजेस पे एमसीक्यू आते हैं और आगे भी आ सकते हैं तो ये सारी इमेजेस सारी इमेजेस के एमसीक्यूज़ याद रखना एमसीक्यू के तौर पे इमेजेस भी आपको आ सकती हैं ठीक तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको ट्रीटमेंट मोडलिटीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट में पता ही होनी चाहिए थैंक यू